morning. आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 add or subtract as indicated. मीटर के सामने मीटर को लिखेंगे, सेंटीमीटर के सामने सेंटीमीटर को, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 3 8 8 2 10 0 9 5 14 1 15 5 1 1 2 B meter centimeter 33 meter 89 centimeter 12 meter 25 centimeter 9 5 14 8 2 10 1 11 3 2 5 1 6 3 1 4 46 meter 14 centimeter 25 meter 8 centimeter इस प्रकार से आप सामने सामने लिख करके और इसको आप ऐड करेंगे। किलोमीटर किलोमीटर एंड मीटर 23 किलोमीटर 285 मीटर 23 किलोमीटर 285 मीटर प्लस 10 किलोमीटर 963 मीटर 10 किलोमीटर 962 किलोमीटर DX 25 किलोमीटर 342 मीटर 11 किलोमीटर 893 मीटर इसको ऐड कर देंगे, है ना। 5 2 7 8 6 14 9 2 11 1 12 13 1 4 1 3 3 2 5 9 4 13 3 8 3 11 1 12 5 1 6 1 7 2 1 3 37 किलोमीटर 235 मीटर 34 किलोमीटर 247 मीटर तो इस प्रकार से एड और सब्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड एक्सरसाइज 8.2 यानी मीटर के सामने मीटर लिखेंगे और सेंटीमीटर के सामने सेंटीमीटर और दोनों को हम ऐड करेंगे। किलोमीटर के सामने किलोमीटर, किलोमीटर के सामने किलोमीटर को और मीटर के सामने मीटर को और दोनों को ऐड करेंगे।
5 मीटर प्लस 10 किलोमीटर 962 मीटर इज इक्वल टू 34 किलोमीटर 247 मीटर। तो इस प्रकार से आप ये किलोमीटर और मीटर दोनों को आसानी से ऐड कर लीजिएगा। किलोमीटर मीटर मीटर सेंटीमीटर उसका सब्ट्रैक्ट को भी देखते हैं। किलोमीटर एंड मीटर, किलोमीटर एंड मीटर 25 किलोमीटर 342 मीटर, 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर 893 मीटर। किलोमीटर मीटर 14 किलोमीटर 362 मीटर, 8 किलोमीटर 146 मीटर। सेंटीमीटर 93 मीटर 25 सेंटीमीटर माइनस 42 मीटर 87 सेंटीमीटर। मीटर के सामने मीटर, मीटर के सामने मीटर और सेंटीमीटर के सामने सेंटीमीटर को लिख करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 - 3 - 9 ये हो जाएगा 3। 13 - 4 - 9 ये 12 - 8 - 4 4 - 1 - 3 2 - 1 - 2 23 किलोमीटर्स एंड 449 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर ई 14 किलोमीटर 362 मीटर प्लस 8 किलोमीटर 146 मीटर दोनों को ऐड कर लेंगे। 22 किलोमीटर 508 मीटर। मीटर के सामने मीटर को और सेंटीमीटर के सामने सेंटीमीटर को फिर दोनों
फाइव है, ये क्या हो जाएगा, ये फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस सेवन एट, इलेवन माइनस एट थ्री, ये टू माइनस टू जीरो, नाइन माइनस फोर फाइव, फिफ्टी मीटर 38 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर टू, अरेंज इन वर्टिकल कॉलम्स एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट। अरेंज इन वर्टिकल कॉलम्स and add or subtract। subtract 18 kilometers 456 meters from 25 kilometers 263 meters। Subtract 18 kilometers 456 meters from 25 किलोमीटर्स 263 मीटर, यानी 25 किलोमीटर्स 263 मीटर में से 18 किलोमीटर्स माइनस 456 मीटर, इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे किलोमीटर, फिर मीटर, किलोमीटर के नीचे 25, मीटर के नीचे 263, सब्ट्रैक्ट कितना से करना है, 18 किलोमीटर 456 मीटर, 13 माइनस 6 7, ये 5 यानी 15, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 4 8, ये 4 यानी 14 माइनस 8 6, ये 0 यानी 6 किलोमीटर 807 मीटर। एक ऐड भी देख लीजिए, ऐड 46 मीटर 28 सेंटीमीटर एंड 31 मीटर 86 सेंटीमीटर।
91 सेंटीमीटर 86, दोनों को ऐड करेंगे 86 14, 31 8 2 10 1 11, 31 6 1 7, 1 8 4 3 7, यानी 78 मीटर्स एंड 14 सेंटीमीटर्स। इस प्रकार से आप जो है अरेंज इन वर्टिकल कॉलम एंड ऐड और सब्सट्रैक्ट, इसको आप लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। इससे आगे जो आप लोगों को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ वेट, यानी वी मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी वस्तु की माप तौल करते हैं ना, वही हम लोग देखेंगे। समटाइम्स यू मे फील दैट टुडे योर स्कूल बैग इज लाइटर और हैवियर देन अदर डेज। कभी कभी आप लोग स्कूल बैग लेकर के जाते हैं तो रूटीन के हिसाब से आप अपने स्कूल बैग में बुक्स या नोटबुक्स डालते हैं तो कभी देखिएगा कि बैग थोड़ा हल्का होता है और कभी बैग का वजन थोड़ा उससे ज्यादा भारी होता है। We feel that some objects such as cotton, popcorn are lighter, whereas apples, lunch box, water bottle are heavier। लेकिन कुछ वस्तुएं हैं जो उसको हम लोग उठाते हैं वह काफी हल्का होता है, यानी आसानी से उसको हाथ से उठा लेते हैं, जैसे कॉटन, पॉपकॉर्न, एप्पल, लंच बॉक्स, वाटर बोतल। आप बैग, आप अपने स्कूल बैग को उठाइए और एक पानी के बोतल को फिर उठाइए तो स्कूल बैग आपको भारी होगा और वाटर बोतल एकदम हल्का होगा, उसको आसानी से आप हाथ से उठा लीजिएगा। तो ये आपको अनुभव करना है। डू यू गो टू ए वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट विथ योर पेरेंट्स? क्या आप अपने माता पिता के साथ सब्जी बाजार गए हैं? हैव यू सीन ए ग्रोसर और वेजिटेबल सेलर वेटिंग ए वेजिटेबल्स? वहां आपने दुकानदार को यानी किराना दुकानदार को या सब्जी बेचने वाला को आप जरूर नाप तौल करते हुए देखे होंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू मेजर वेट इज ए फिजिकल बैलेंस एंड डिफरेंट मेटेलिक वेट। अधिकतर दुकान पर आप या सब्जी के दुकान पर भी आप फिजिकल बैलेंस जो वेट इससे मेजरमेंट होता है वो आप देखे होंगे। दे कीप द थिंग्स दैट वी विश टू बाय ऑन वन साइड एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वेट ऑन द अदर साइड एंड बैलेंस देम इक्वली। एक साइड आप देखते हैं कि वजन रखा रहता है और एक साइड हम जो सामान लेते हैं वह सामान उस पर रखा जाता है। दोनों का वेट जब बराबर हो जाता है तो उसका एग्जैक्ट वेट मालूम पड़ जाता है, उस हिसाब से हम लोगों से दुकानदार पैसा लेता है। फॉर एग्जाम्पल वी विश टू बाय 1 kg ऑफ पोटैटोज। लोगों को 1 किलोग्राम आलू खरीदना है
ए मेटेलिक वेट ऑफ 1 kg इज केप्ट वन साइड, यानी लोहा वाला जो किलोग्राम होता है उसको 1 kg वाला उसको एक साइड रखेगा और दूसरे साइड आलू रखना शुरू करेगा। जब दोनों बैलेंस होता है तो फिर वह हमको 1 kg उतार करके दे देता है। फिर पोटैटोज कैन बी एडेड और रिमूव्ड अंटिल बोथ साइड बैलेंस रहता है। और पोटैटो यानी ज़्यादा रखा गया बैलेंस में तो फिर निकालता है। At sweet shop or some grocery shops, we use different types of balance, which are electronic weight machine. तो ये physical balance भी रहता है, लेकिन अभी आप अधिकतर मिठाई के दुकान पर या किराना दुकान पर जाइएगा तो electronic weighing machine ये आपको दिखाई देगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेलिक वेट 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेलिक वेट 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 g, 200 g, 100 g, 50 g, 50 g से भी कम मेटेलिक वेट। अब देखिएगा आप गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के दुकान पर जाइएगा, वहाँ देखिएगा कि बहुत ही कम वजन वाला वेट जो है उसके पास रहता है। 1 g है ना, 1 g, 2 g, तो ये हम लोग फिर आगे कैसे कोई चीज का को मापते हैं, है ना। हम लोग शुगर, राइस, स्वीट्स, वेजिटेबल्स ये सब जो खरीदते हैं तो किलोग्राम से माप करके हम लोगों को दुकानदार देता है, तो ये सब तो आप देखे ही होंगे। तो इसको फिर हम आगे देखेंगे। आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 ये कंप्लीट करना है, पेज नंबर 133। एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 133, एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 138 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 138 क्वेश्चन नंबर 1 and 2 दिस इज योर होमवर्क। आप लोग इसको कंप्लीट करके लाइएगा, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग नोटबुक में बना करके रखिएगा और एक बार जो है ऐड और सब्सट्रैक्ट नेक्स्ट क्लास में पुनः आपको हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।